Do you feel the breeze? वेलकम बैक गाइस टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया बग जो करंटली सैनहॉक मैप पर है। इस बग को करने के लिए आपको बगी की जरूरत पड़ेगी और कुछ ऐसे घरों की जिनके नीचे आप अपनी बगी को ले जा सके। और मैं ऐसे ही एक घर के सामने खड़ा हूँ, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ ये घर किस जगह पर है। सो आप देख सकते हैं टैम बैंक के राइट साइड में है। पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ या नहीं, बट आपने देख लिया मैप में ये घर कहाँ पर है। सो हम अपनी बगी में बैठेंगे और हमें अपनी बगी इस घर के नीचे ले जानी है। आप इसे कार से भी कर सकते हैं, बट कार से प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसके नीचे ले जाते हैं कार को तो कभी कभी कार स्टक हो जाती है, वहीं पर फंस जाती है, और साथ ही साथ आप कार से अच्छे से एम भी नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने एनिमी को शूट करना चाहें तो। सो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, अपनी सीट स्विच करते हैं, उसके बाद घर के अंदर अगर कोई भी कैंपर बैठा है तो आप उन्हें काफ़ी आसानी से किल कर सकते हैं और पूरा पूरा स्क्वाड भी ख़त्म कर सकते हैं। बट रिमेंबर, जब आप इस ट्रिक को यूज़ करें तो आप अपनी बग्गी को नीचे ऐसी जगह पर खड़ी करें जहां से सीट स्विच करने पर आपका कोई भी बॉडी पार्ट उन्हें दिखाई ना दे। आप इसलिए बस स्कोप करें और उन्हें शूट कर दें। लेकिन जब आप स्कोप करते हैं तो आई थिंक उन्हें थोड़ी बहुत गन दिखाई देती होगी कहाँ से शूट कर रहा है। बस यहीं पर थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है कि अगर उन्होंने आपको स्पॉट कर लिया तो आपको काफ़ी इजली नीचे से मार सकते हैं, क्योंकि आप बगी में हैं और कितनी स्पीड में वहाँ से निकल पाएंगे ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। और ये बग मेरे ख्याल से सभी उन घरों पे काम करता होगा जिसके नीचे आप अपनी बगी ले जा सकते हैं, बट मैंने सिर्फ दो घरों पे ट्राई किया था, एक यहाँ पर और दूसरा मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर ट्राई किया था। तो मैप में आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर हूँ, मैंने राइट साइड में इस बिल्डिंग में लगाया था मार्क, यहाँ जाके मैंने ट्राई किया था। मैं आपको फिर से एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ इस बग को। तो अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अब मुझे बस अपनी बगी को यहाँ नीचे ले जाना है। बस मुझे ग्राउंड लेवल का ध्यान रखना है जिससे मेरा जो हेड है वो बाहर की तरफ पॉपअप ना हो। सो अभी परफेक्ट है, मेरा कोई हेड वेड वगैरह नहीं दिख रहा है, मैं इसको करके यहाँ पर शूट भी कर सकता हूँ। अगर कैंपर यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे इंतजार में तो हम नीचे से शूट करेंगे। और देखिए आप, यहाँ पर मेरा हेड अब ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर ऐसा आता है तो एनिमी आपको डायरेक्ट हेडशॉट देगा और आपका खेल खत्म हो जाएगा। सो अभी मैं अपनी सीट स्विच करके बगी की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लो ग्राउंड पे जाना चाहता हूँ, हाई ग्राउंड पे रहूँगा तो मेरा जो सर है वो बाहर की तरफ निकलेगा और ऐसे में मैं बहुत ही आसानी से स्पॉट हो सकता हूँ। मैंने अभी इस बग को इन दो जगहों पर ट्राई किया है और दोनों जगह ये वर्क कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है जहाँ भी आप अपनी बगी को घर के नीचे ले जा सकते हैं वहाँ भी ये बग काम करेगा। सो उठाओ बगी और निकल जाओ कैंपर्स की बैंड बजाने के लिए। जहाँ भी आपको इस तरह के घर दिखते हैं वहाँ ट्राई करके देखिए होता है या नहीं, और आप एक्सप्लोर करो इस नए मैप को, देखते हैं कितने बग हम ढूंढ सकते हैं इस न्यू मैप पर। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।